आज मैं मना रही हूँ उत्तराखंड का लोक पर्व इगास। इसे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ना जब आप सभी लोगों को गाइस देखिए अभी का डांस, अभी ढोल पकड़ के डांस हो रहा है अभी का। अच्छे होंगे। मेरा नाम है पूनम संजीव नौटियाल और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों अभी का सीन ये है, आज बच्चों की तो छुट्टी है लेकिन जो मेरे चाचा जी आए थे ना तो वो अभी जा रहे हैं, तो मैं उनको छोड़ने जा रही हूँ बाहर रोड तक, तो उनको छोड़ के आती हूँ। तो आ रही हूँ मैं अभी, और फिर मुझे अभी का भी आज स्कूल है, वो डांस का प्रैक्टिस है उसका, तो अभी 11 से 4 बजे तक उसका है, तो उसको भी छोड़ने जाना। तो मैं अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये हो गए हैं मेरे चाचा जी तैयार बैग लेके, अभी मैं इनको छोड़ने जाती हूँ, तो चलो फिर। तो गाइज मैं और अभी जा रहे हैं अभी स्कूल, क्योंकि अभी का ना अभी डांस का प्रैक्टिस है, तो 11 बजे से और शाम को 4 बजे तक है, तो अभी हम निकल रहे हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं स्कूल में, अब अभी जा रहा है, अभी के यहाँ पे डांस प्रैक्टिस चल रही है, तो चलो। Bye guys. वो रहा अभी जिसने ढोल पकड़ा है ना, अभी ये आया, अभी अभी आ गया अभी। गाइस देखिए अभी का डांस, अभी ढोल पकड़ के डांस हो रहा है अभी का। वाह यार मस्त डांस हो रहा है इनका तो। अरे बाबा ओहो, हरलीन और अभी दोनों ही। तो दोस्तों आज है इगास और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी इगास। तो प्रिशा की तैयारी हो गई है पटाखों की, उसने अपने लिए वो पॉप होते ना वो लेके आए हैं, अपने साइज वाले जो वो फोड़ पाती है, तो वही वो लेके आई है अपने लिए, तो वो फोड़ेगी अभी। मैं कर रही हूँ थोड़ा सा तैयारी, पूजा करूंगी थोड़ा सा, और मैं बना रही हूँ थोड़ा सा उड़द के दाल के पकोड़े और थोड़ा पूरी बनाऊंगी पूजा के लिए। तो चलिए दोस्तों ये भी देखिए मेरे साथ और करते हैं तैयारी। ये मैंने सब डाल दिया इसमें, दाल में इसमें धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा हींग, ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से फेंट देती हूँ। ये मेरी दाल फेंट चुकी है मैंने, और अब मैं बनाती हूँ उसके पकोड़े। मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, तो चलिए बनाते हैं अब पकोड़े। जाता है, तो ये सब त्योहार आज के दिन मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ना जब भगवान श्री राम जब युद्ध करके रावण को मार के जब अयोध्या आए थे ना, तो मतलब देश में तो दिवाली के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हमारे जो गढ़वाल में जो गांव थे ना, ऊपर ऊपर के जो गांव थे, वहां ना 11 दिवाली के 11 दिन बाद पता चला था कि श्री राम जी अयोध्या वापस आ गए हैं।
तो उन्होंने 11वें दिन उसको दिवाली के रूप में मनाया। तो शाम को जैसे मैंने पूरी पकोड़े, मतलब आप लोग जो भी कुछ बना सकते हो सब चीज़ बनाइए, त्यौहार है बिल्कुल दिवाली जैसा है तो वैसे ही मनाया जाता है। तो अभी मैं ये दिए जला रही हूँ, ये बाहर लगाऊंगी, कुछ गेट के पास लगाऊंगी, तुलसी माता के पास लगाऊंगी, और फिर थोड़ा सा पटाखे हैं वो बच्चे फोड़ लेंगे, तो आप लोग देखिए। फिर चलिए मेरे साथ बाहर चलते हैं, ये थोड़ा सा मैं अच्छे लगते होंगे, तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।